चलो इधर देखो देखो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ रिएक्टेंट है, सपोज मान लीजिए आपने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में आपने दो गैस इजेक्ट किए, एक हाइड्रोजन गैस डाल दिया सपोज और दूसरा ऑक्सीजन गैस डाल दिया, ठीक है। तो दीज आर द इनिशियल कंटेंट। इसका मतलब आपको अगर केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं है तो आप क्या समझोगे कि H2+O2 गिव्स H2, है ना, वाटर बनना चाहिए। और साथ में अगर हम बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस तो हो ही जाएगा, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो क्या एस्पेक्ट कर रहे थे आप कि अगर हम इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस डाल दे और ऑक्सीजन गैस डाल दे तो क्या बन जाएगा, वाटर बनना चाहिए था। लेकिन अब जो गिवन क्राइटेरिया या गिवन सर्कमस्टेंसेस है, जो फिजिकल कंडीशंस है, टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, ये जो भी क्राइटेरिया है ये जस्टिफाई करेगी कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इस चीज को लेके जो आपने इनिशियल कंटेंट लिया था, इस कंटेंट को लेके कि आपने ये रिएक्टेंट लिया है, दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है और आप एस्पेक्ट कर रहे हो कि ये चीज बनना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट एस्पेक्ट कर रहे हो। लेकिन इस रिएक्शन को लेके तीन क्वेश्चंस है। नंबर 1, क्या ऐसा होगा, मतलब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड, अगर ये रिएक्शन होती है तो कितनी देर में होगी, है ना, टाइम लिमिट क्या है, ठीक है, जैसे पेपर एग्जाम का होता है 2 घंटे 1 घंटे में, है ना, तो ये टाइम लिमिट क्या है। इंस्टेंट रिएक्शन होगी, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस लेते हैं तो हम लोग डालते ही इंस्टेंटली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग देखें तो जो डायमंड होता है, डायमंड को अगर छोड़ दिया जाए तो वो एक दिन ग्रेफाइट में चेंज हो जाएगा। बट मतलब जो भी आप डायमंड गिफ्ट कर रहे हो किसी को, हाँ नहीं, सिंपल, है ना, हाँ, तो जो भी आप डायमंड देते हो इतना, हाँ नहीं, देखिए एक्चुअली होता क्या है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो देर आर थ्री स्टेट, तीन आपके पास स्टेट होते हैं, है ना, जिसमें जो ग्रेफाइट होता है ये मोस्ट स्टेबल होता है। इसका मतलब कि ग्रेफाइट भी, सॉरी, डायमंड भी एक दिन ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा और बकमिंस्टर फ्लोरीन भी एक दिन किसमें कन्वर्ट होगा, ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली जो ग्रेफाइट है वो मोस्ट स्टेबल है, तो हर चीज स्टेबिलिटी एक दिन अटेंड करेगी। बट क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कितने दिन में। तो अगर किसी को डायमंड गिफ्ट करेंगे और उसको कह देंगे ग्रेफाइट बन जाएगा कल, क्या वो लेगा, सोना की अंगूठी दे दो, है ना, ऐसा नहीं करने वाला है। लेकिन उसको ये पता है कि दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर, है ना, पता नहीं कितनी कितने जन्म पुष्ट लोग, कितने तुम्हारी जनरेशन आ चुकी होगी, पता नहीं विलुप्त हो गई होगी नहीं होगी, लेकिन वो अभी नहीं कन्वर्ट होने वाला है ना इतना जल्दी। तो दैट टेक मिलियन ऑफ ईयर, दैट मीन्स बहुत स्लोएस्ट रिएक्शन हो गई, है ना। तो वो कन्वर्जन तो होगा लेकिन जो उसका टाइम लिमिट है वो बहुत ज्यादा है, जो हमारे नॉर्मल लाइफ 60, 70, 100, 200 साल के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये बात समझ में ना। तो हमने कहा पहला क्वेश्चन क्या था कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, मतलब डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, तो आंसर था होगा। लेकिन ये जवाब किसने दिया, केमिस्ट्री की किस ब्रांच ने इसका जवाब दे रखा है ना, पहली बात हो गई। दूसरा कि अगर कन्वर्जन होता है तो कितने देर में होगा, टाइम लिमिट क्या है, कोई फाइनाइट है या हमारे लिए इनफाइनाइट है। जैसे हमने कहा कि अगर ग्रेफाइट डायमंड है तो ग्रेफाइट में कन्वर्ट होने में एक इनफाइनाइट टाइम ले रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा एसिड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, डालते ही रिएक्शन हो जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, तो दैट टेक इंस्टेंटेनियस टाइम। कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे जैसे अमोनिया हम लोग बनाते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, दैट टेक फाइनाइट टाइम, है ना, जो हम लोगों के लिए आसानी से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, ये बात समझ में आना। तो एक टाइम का क्वेश्चन हो गया। तीसरा कि अगर कन्वर्जन हो रहा है तो किस एक्सटेंट तक होगा। एक्सटेंट का मतलब जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने मान लीजिए 1 kg रिएक्टेंट लिया है और अगर 1 kg रिएक्टेंट का 990 ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो अच्छा खासा कन्वर्जन है आपके लिए, प्रोडक्ट अच्छा है ना। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि अगर 1000 ग्राम आपने या 1 kg कोई रिएक्टेंट लिया आपने, उसका सिर्फ 10 ग्राम प्रोडक्ट में चेंज हुआ
और उसके बाद चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है वो वापस रिएक्टेंट को फॉर्म कर दे रहा है। ये बात समझ में आया ना? इसका मतलब कि अब वापस जो रिएक्टेंट था, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या अमाउंट फिक्स हो गया। अगर वो उधर से रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट भी क्या बना दे रहा है? रिएक्टेंट। अब ये दिक्कत हो गई। फिर आपका जो एक्सटेंट है, आपने 1 kg रिएक्टेंट लेके चले थे, लेकिन 10 ही ग्राम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाया, उसके बाद ये मामला आ गया, उलझ गया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट को बनाने लग रहा है। इसका मतलब जो इस रिएक्शन का एक्सटेंट है वो पुअर है ना? तो हम इसको कोई और रास्ता ढूंढेंगे ताकि एक्सटेंट हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये बात समझ में आया ना? तो देयर आर 3 questions। हमने कहा पहला, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब थर्मोडायनेमिक्स देती है ना? तो थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, है ना, इसी चैप्टर में आएगा, है ना, नहीं थर्मोकेमिस्ट्री में आएगा ना, थर्मोडायनेमिक्स में, कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, बात है ना? अगर गिब्स फ्री, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है तो रिएक्शन होगी, और गिब्स फ्री एनर्जी उस सर्कमस्टेंसेस के लिए नेगेटिव नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगी। जैसे आप कहते हो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, तो हम लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी है जिससे हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो क्यों ना ये नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस में क्यों नहीं कन्वर्ट हो, हम हंसते रहते फिर, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब जो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है 180 प्रेशर है, जो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है मैक्सिमम 42-43 जाता है और मिनिमम आपका -1-2 जैसा सर्कमस्टेंसेस अलग अलग जगह पे। इसका मतलब ये जो फिजिकल कंडीशन है ये उसके लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप आइस लेके, है ना, अलास्का में चले जाओ और सोचो कि वो पानी बन जाएगा तो बेवकूफी है, क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस वहां पे सूट नहीं करते हैं। वहां पे थर्मोडायनेमिक्स जवाब दे देगी कि इसका गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव नहीं आने वाला है, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं पे उत्तर प्रदेश में गर्मी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर तुम आइस का टुकड़ा लेके हाथ में रखे रहो और सोचो कि वो वैसे ही रहेगा, पिघलेगा नहीं, ये भी बेवकूफी है, वो कन्वर्जन होगा, है ना, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कह रही है ना, डेल्टा जी उसका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब वो फिजिएबल प्रोसेस है। ये बात समझ में आया ना? तो कोई प्रोसेस फिजिएबल है या नहीं है वो सिर्फ कंटेंट पे डिपेंड नहीं करता है, दैट आल्सो डिपेंड अपॉन द, ठीक है, फिजिकल कंडीशन, एनवायरमेंट क्या आपने क्रिएट कर रखा है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, इस बात पे डिपेंड करा है ना। तो हमने कहा 3 questions हमारे पास थे, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ना है चैप्टर में, रिएक्शन कितनी तेजी से होगी, केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th में चैप्टर नंबर 2 अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है ना, कि कितनी देर तक होगी, अरे कितनी जल्दी होगी रिएक्शन, है ना, तो हमें रेट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना है, और किस एक्सटेंट तक होगी। अगर रिएक्शन हमें जवाब किसी ने कह दिया, चलो भाई तुम 2 questions का लोड मत लो, हम बता रहे हैं कि रिएक्शन होगी और फाइनाइट टाइम में होगी, अब चलो तुम आगे काम करो, तो तुम किस पे काम करोगे, तुम काम करोगे किस एक्सटेंट तक हो रही है ना, कितना परसेंटेज उसका कन्वर्जन होगा। ये बात समझ में आ गया? तब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो लिखिए टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन पहला हो जाएगा इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दूसरा हो जाएगा रिवर्सिबल, अब हेडिंग डालेंगे इरिवर्सिबल, तो लिखिए रिएक्शन विच कैन प्रोसीड
रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन दैट मीन्स रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू रिएक्टेंट. हाँ, प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू रिएक्टेंट. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दिखाते कैसे. हम लोग कहेंगे कि सपोज हमारे पास, हमने दो रिएक्टेंट लिए हैं, ए और बी रिएक्टेंट है, और इनसे जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड था सी प्लस डी है, लेकिन ये सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, मतलब आगे की तरफ जा रही है, तो हम एरो से दिखाएंगे. ठीक है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किधर जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, जो भी गिवन फिजिकल कंडीशन है उस पे. ठीक है, तो ऐसे दिखा देंगे हम लोग. ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट, और ये हो गया प्रोडक्ट. अभी सारी बातें हो जाएंगी. ठीक है, बस चार पांच लेक्चर में है ना पूरा सी कहानियां खत्म हो जाएगी, फिर तुम सोचते रहना. ठीक, और चार पांच लेक्चर बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि अभी छुट्टी हो जाएगी शायद, है ना, 28 से अगर छुट्टी हो जाती है शायद 29 से, पता नहीं क्या करेंगे. अरे विंटर वेकेशन नहीं लोगे, घर तो नहीं भाग जाओगे? हाँ हम है ना, जब हम है यहाँ तो तुम पेपर चिंता क्यों कर रहे, तुम यहाँ चिंता करो बस. हाँ, जब भी मतलब खुलना तो 4 को चाहिए, लेकिन सब स्कूल हो गया. अब हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन. तो पहला लिखिए, फर्स्ट रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन, रिएक्शन प्रोसीड इन सिंगल डायरेक्शन ठीक है. सेकेंड रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल एरो, सिंगल डायरेक्शन एरो है ना, रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल डायरेक्शन एरो. थर्ड ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन, मतलब पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, कुछ भी रिएक्टेंट बचेगा नहीं है. ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन, हेंस ऑल रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. हाँ, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, फोर्थ It involves limiting reagent. limiting reagent. हम लोगों ने मोल कंसेप्ट में पढ़ा था
कि अगर वो मोलर रेशियो उनका बराबर में नहीं दिया गया है तो एक कंज्यूम हो जाता था, दूसरा तो बच जाता था, है ना। तो यहाँ पे लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। टेक्स प्लेस इन ओपन कंटेनर। इसका मतलब ये रिएक्शन जनरली ओपन कंटेनर में होगी, है ना, क्लोज रहेगा क्लोज तो कंटेनर, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेंगे, सपोज गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, एस्केप कर जाएंगे, वापस आएंगे नहीं रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, समझे। हाँ क्लोज रहेगा फिर रिएक्ट करेगा। ठीक, अब लिखो एग्जांपल। एग्जांपल ऑल कंबसन रिएक्शन। ऑल कंबसन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर किसी चीज को लेके हम जला देते हैं, तो प्रोडक्ट में अगर हाइड्रोकार्बन सपोज है, तो वो प्रोड्यूस क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, लेकिन वापस वो नहीं बनाने वाले हैं, है ना, हाइड्रोकार्बन जो आपका था, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसका मतलब क्या हुआ कि कंबसन रिएक्शन हमारी क्या है, ए रिवर्सिबल रिएक्शन है, वो रिवर्स नहीं होगी, ना तो वहां पे इक्विलिब्रियम अटेंड ना होने वाला है। ठीक है, ये अलग की बात है कि अगर लिमिटेड ऑक्सीजन लेंगे आप, है ना, अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट रहा तो कार्बन सूट्स तैयार होंगे, अनबॉन्ड कार्बन हम लोग कहते हैं, है ना, वो सूट्स तैयार, जैसे टायर जलाते हैं हम लोग तो बहुत सारा धुआं निकलता है, मतलब अनबॉन्ड कार्बन निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज एग्जाम्पल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल टू हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4 हो गया, है ना, HCl हो गया, अगर स्ट्रॉन्ग बेस NOH, ठीक है, तो अगर इसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं, ये बात समझ में आया ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, अगर वीक एसिड और वीक बेस ले लेंगे तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन वहां इक्विलिब्रियम अटेन करने लगेगा, मतलब वो रिवर्स भी होने लगेगी रिएक्शन, ये बात समझ में आया ना। तो ये ध्यान रहे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, वो किसका हम देख रहे हैं, सिर्फ उसमें एक केस है, दोनों स्ट्रांग हो सकते हैं, एसिड बेस, एक वीक एक स्ट्रांग, तो दो केस हो गया, कौन वीक है, एसिड वीक है या फिर बेस वीक है, दो केस इसमें आ जाएंगे, दोनों वीक हो जाए, तो बाकी केस की हम बात नहीं करें, बाकी हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में कर लेंगे, ये बात समझ में ना। अभी हम लोगों ने साफ साफ मेंशन किया है स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे जैसे अमोनिया, अगर अमोनिया गैस को, है ना, हाँ, अमोनिया गैस अगर कुल HCl लिक्विड होता है, तो HCl में कोई ग्लास रॉड डिप कर दो और अमोनिया गैस में उसको ले जाओ जहां कंटेनर है, तो वहां व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा ना। नीचे बैठा मिलेगा कि प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जो डिजोल्व नहीं हो रहा है ना। तो नीचे तो बैठा रहता है। अरे उसकी अगर, वो तो डिपेंड करता है ना कि उसकी ग्रेविटी क्या है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या यूं कह लें कि उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो नीचे बैठ जाएगा, और कम है तो वो ऊपर तैरेगा। अब हर चीज का हम लोग ग्रेविटी तो स्पेसिफाई नहीं कर सकते ना, समझ में ना। ठीक है, अरे सिल्वर नीचे फॉर्म होता है, नीचे है ना ल्यूकस रिएजेंट होता है, नीचे फॉर्म होता है, तो वो जो मिरर, सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, तो वो नीचे फॉर्म होता है, बहुत सारा प्रेसिपिटेट ऊपर मिलेगा, तो हम कैसे गारंटी कर दें कि ऊपर है मिलेगा, वो नीचे नहीं मिलेगा, या नीचे में मिलेगा ऊपर नहीं मिलेगा, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द, है ना। तो फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया, थ्रस्ट। ठीक है, अब हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालिए रिवर्सिबल रिएक्शन। अरे काहे नहीं हार्ड होगा जी, जिस दिन हो जाएगा उस दिन मानना तुम, ठीक है, क्या रेट,
हाँ डाइल्यूटेड रखा जाता है, लिखो नेक्स्ट। कई साल का मंगा के साथ दो चार साल का मंगा के रखे, सर कोई रिएक्शन वेक्शन करवाते नहीं है तो बैठ के तो खराब है होगा। नहीं हम लोग जब जाते हैं ना बीच वाले, वो वाला फेंक के एकदम पानी भर के रख देंगे खुशी से खाते हैं जैसे। ठीक तो लिखो नेक्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो लिखो रिएक्शन कैन प्रोसीड इन, रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। In which reactant converted into product and product also convert reactant into reactant. ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये हम लोग कहते हैं कि सपोज रिएक्टेंट हमारा ए और बी हो गया, ए प्लस बी गिव्स, तो जब आगे वाला प्रोडक्ट देगा सी देगा, है ना, सी प्लस डी, और अगर सी प्लस डी वापस फॉर्म करे रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट ए प्लस बी बनाएगा, तो हम लोग डबल एरर्स दिखाए हैं। फिर देखो सर हाफ है, हाफ है डबल हाफ ए बी का। हाँ हाँ ठीक, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, वीडियो देख लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, पहला प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दूसरा represented by double arrow, represented by double arrow, ठीक है, means ये लिख लेंगे means, ठीक है, a plus b फॉर्म सी प्लस डी, ठीक है, एंड इसे क्या कहेंगे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, और सी प्लस डी क्या फॉर्म करने वाला है, ए प्लस बी, एंड दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, नेवर थर्ड नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, नेवर गोज फॉर कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, ना तो पूरा रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट दे देगा, ना तो प्रोडक्ट जो बना है पूरी तरह से कन्वर्ट होके रिएक्टेंट दे देगा, है ना, बीच में लटकी रहेगी, ठीक है, ठीक है,
फिर नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। नो रोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का रोल वही होता है जहां रिएक्शन कंप्लीट होती है ना, तब रिएक्टेंट, कोई भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट खत्म होने का खतरा रहता है। ठीक है, ये बीच में फंस जाएगा ना, जब क्लोज लिखा जाए नेक्स्ट। कर दिस रिएक्शन टेक प्लेस, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन क्लोज कंटेनर। देना। 30 MB यहाँ प्लान है, यहाँ 2 घंटा क्लास लेते हैं ना, वहां का हम 150 MBPS कराते हैं रूम का। तो पढ़ाते क्या रूम पे, और क्या पढ़ाते क्या रूम पे, वहाँ पढ़ाते नहीं है, मतलब वहां से जो क्लास रिकॉर्ड करनी होती है यूट्यूब पे डालना। हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो N2+H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, ये सब देखिए, यहाँ पे स्टेट मैटर करता है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, ये सारा मायने रखता है यहाँ पे। तो ध्यान दिया करिए कि जब भी चैप्टर डील कर रहे हैं आप, तो वहां पे स्टेट पे विशेष ध्यान रहे। अब अमोनिया क्या है, इंग्रेडिएंट है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। और इंडिया सोचो, फर्टिलाइजर कहां से मंगवाता है, या तो चाइना से मंगवाता है या फिर रसिया से मंगवा रहा है। ठीक है, तो हम लोग की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वो चाहे तो तहस नहस कर दे सब। तो हम लोग अगर कोई वार करते हैं, तो वो भी ये इकोनॉमिक वार कर सकते हैं, वो रोक देंगे हम लोग के इंग्रेडिएंट, है ना, वो नहीं देंगे। तो अपने पास इतनी क्षमता है नहीं कि हम लोग बनाए, तो रसिया से मंगाएंगे। और रसिया वालों के साथ दिक्कत इस समय चल रही है कि उनको कंटेनर नहीं मिल रहे हैं सामान लाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि जो कंटेनर है वो सारे यूरोपियन है ना, यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करता है, तो वहां पे राज चलता है यूएसए का। तो सोचो हम लोग फंस जाएंगे, और जितने किसान है मारे जाएंगे उसमें, प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। यही वजह हुआ था कि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी श्रीलंका में, है ना। वहां पे हुआ क्या था कि वहां पे अचानक एक ही बार, है ना, राजपक्षे ने वो सोच लिया कि यहाँ पे अब हम फर्टिलाइजर डालेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारा डॉलर उनका नुकसान हो रहा था, डॉलर इकट्ठा कर रहे थे, सड़ से खत्म हो जा रहा था मंगवाने में, है ना। दूसरे कंट्री से मंगवाओ तो डॉलर में पे करना पड़ेगा, डॉलर उनका खर्च हो जा रहा था। उन्होंने सोचा कि ना, अब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लेकिन अचानक स्विच कर दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, बस अब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, है ना। तो अब ऑर्गेनिक एक तो महंगा पड़ रहा था, ऊपर से अवेलेबिलिटी नहीं थी। अब अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं, देखो ऐसे लोग मर रहे थे, कह के 1000 में खरीद रहे थे ऑक्सीजन का सिलेंडर, कई कई गुना दे रहे थे जान बचाने के लिए ना। तो वही हालत वहां पे हो गई, इसलिए पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, पूरा पूरा तहस नहस हो गया और चले गए, नीचे चले गए। तो वो हाँ, इंडिया में पहले हुआ था, लेकिन अभी अगर हम लोग कंट्रोल ना करें, है ना, तो उनकी तो पॉपुलेशन कम है और अपनी तो कई गुना है, तो हमारे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए सोचो, फर्टिलाइजर जिस कंट्री के पास फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा प्रॉस्परस कही जाती है कंट्री, है ना। तो ये प्रोसेस अमोनिया इंग्रेडिएंट हो गया इसका, एक फर्टिलाइजर बनाने का, है ना। देखो इसको प्रोड्यूस करने के लिए गैस चाहिए, है ना, और गैसों हम लोग, है ना, मंगवाते हैं कहाँ से, वही रसिया से, है ना, गैस मंगवाते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस, तो बहुत सारा दिक्कत है, पढ़ोगे इसमें। अरे हो गया, तो अब इन क्लोज कंटेनर हटा दे, अब हम लोग ऐसे रिएक्शन को एंटरटेन कर रहे हैं जो अंडरस्टूड है कि दोनों डायरेक्शन में जा रही है ना।
फॉरवर्ड जाएगी, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। पहले हम लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट नहीं लिया था कंटेनर में, तो कंटेनर में आपने क्या लिया था, कंटेनर में इनिशियली आपने, दैट मीन इनिशियली का मतलब टी इक्वल टू जीरो पे, तो एट टी इक्वल टू जीरो, अगर हम ऐसे लिखे एट टी इक्वल टू जीरो और क्या लिखे इनिशियल, इनिशियली, तो अगर इनिशियली बात करें, है ना, तो हम कहेंगे यहां पे सिर्फ हमने क्या लिया था, रिएक्टेंट लिया था, ठीक है। रिएक्टेंट सपोज आर है, या रिएक्टेंट हम लोग लिख दे रहे हैं, है ना, चलो रिएक्टेंट आर है, तो रिएक्टेंट आर हम लोगों ने लिया, रिएक्टेंट आर ले लिया। अब ये जब हम पर्टिकुलर कंडीशन में देंगे तो ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, और रिएक्टेंट का भी कुछ ना कुछ अमाउंट बचा होगा किसी टाइम पे, तो किसी टाइम टी पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोनों लोग होंगे, रिएक्टेंट भी होगा, ठीक है, और प्लस आपका प्रोडक्ट भी होगा। ये बात समझ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा होगा कहाँ पे, रिएक्टेंट में, लेकिन टी इक्वल टू जीरो पे हम लोगों ने कोई भी, है ना, प्रोडक्ट नहीं लिया था, सिर्फ हमने रिएक्टेंट लिया था। ये बात समझ में आया ना। अब होगा क्या, अगर रेट की बात करें, रेट ऑफ कंजम्पशन, जो प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है, तो अगर कंजम्पशन की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि शुरू में रेट की बात कर रहे हैं ना, दो रेट होंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा, ठीक है। तो तीन तरह के यहां पे रेट हम दिखा रहे हैं और यहां पे दिखा रहे हैं टाइम, तो तीन टाइप के ग्राफ होंगे। मान लीजिए रिएक्टेंट जो आपने लिया है वो ये कंसंट्रेशन है, या रेट इतना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी फॉर्म करेगा सी प्लस डी, तो हम कहेंगे ए प्लस बी फॉर्म करेगा सी प्लस डी, तो ये क्या कहेंगे हम, फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। और जो ये रेट होगा, जिस रेट से ये क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो रेट ऑफ हम एफ सफिक्स में लिख देंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। रेट के भी बात करेंगे हम लोग, तो हम कहेंगे कि ये इस तरह से डिक्रीज करेगा रेट, जैसे जैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता चला जाएगा, या रिएक्टेंट का कंटेंट कम होता चला जाएगा, रेट भी घटता चला जाएगा, तो एक टाइम आएगा कि धीरे 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 ये क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा सब कुछ, इस तरह से, ठीक है। प्रोडक्ट शुरू में क्या था, जीरो था, कोई प्रोडक्ट था नहीं, लेकिन ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ना, इसका रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, रेट इसका बढ़ते 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 ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो ये किसी टाइम टी पे हम लोग देख रहे हैं कि ये गैपिंग का मतलब कॉन्स्टेंट हो गई, अब कोई किसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ये किसी टी इक्वल टू टी पे है, तो ये क्या कहेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और ये क्या है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन जीरो थी, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन काफी, है ना, ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे कंटेंट कम होते चले गए रिएक्टेंट के, है ना, वो कॉन्स्टेंट हो गया एक टाइम के बाद, है ना। अब दूसरा, अगर दूसरे टाइप का ग्राफ क्या है, दूसरे टाइप का ग्राफ है कि रेट हम लोग दिखा दें यहाँ पे, और यहाँ पे हम टाइम दिखा दें, टेम्परेचर टाइम में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि ये रिएक्टेंट का जो रेट है वो रेट डिक्रीज करे, है ना, और फिर इस तरह से कॉन्स्टेंट हो जाए, और ये भी, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट बढ़ते 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 ये भी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन उसी के बराबर हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी टाइम टी के बाद ये क्या हो गया है, कॉन्स्टेंट हो गया है। अब देखो तीसरा क्या हो सकता है, यहाँ रेट दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहां पे हो गया टाइम हो गया। अब यहां से रेट क्या हो रहा है, तेजी से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 ऐसे आ गया, और ये इंक्रीज होते 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 ऐसे चला गया, अब फिर कांस्टेंट हो गए, लेकिन ये सिनेरियो अलग है, ठीक है, ये किसी टाइम टी के बाद ये क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गए, तो ये क्या था, दैट इज रेट ऑफ आर एफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और नीचे वाला क्या था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब तीनों के जो आप डिकोड करेंगे लैंग्वेज में, तीनों बातें अलग अलग होंगी। जैसे इसमें हम कहेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन कुछ है, ये कोई ना कोई वैल्यू है, है ना, और ये भी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, किसी टाइम टी के बाद ये चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्या फॉरवर्ड रिएक्शन और जो बैकवर्ड रिएक्शन है क्या दोनों बराबर है, नहीं, कॉन्स्टेंट तो है लेकिन बराबर नहीं है। तो तीन, यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशन है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, है ना। तो पहला ऑब्जर्वेशन दिख रहा है हमें
कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, हम बात हमेशा टाइम टी के बात कर रहे हैं, है ना, टी को सुटी के बाद, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है, या यूं कहें कि आर एफ आर बी कॉन्स्टेंट हो गए, है ना, इज कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आफ्टर, है ना, टी क्या हो जाएगा, ये टी वन ले लेते हैं ना, इसको टी वन ले लेते हैं, आफ्टर टी ग्रेटर देन टी वन, तो टी वन टाइम के बाद ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन टी वन टाइम से पहले फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा था, रेट क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था, दोनों कॉन्स्टेंट नहीं थे, लेकिन टी वन टाइम के बाद दोनों रेट क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि आर एफ जब कॉन्स्टेंट हो गए तो ये दोनों बराबर नहीं, दे हैव डिफरेंट वैल्यू, तो हम कहेंगे आर एफ नॉट इक्वल्स टू आर बी, बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है। तीसरी चीज क्या दिख रही है, यहां लिख रहे आप नीचे लिखिएगा, तीसरी चीज दिख रही है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो ज्यादा है, आर एफ ज्यादा है, लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन का कॉन्स्टेंट मतलब बैकवर्ड रेट है वो क्या है, कम है। तो तीन ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं ना। अब यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहां पे क्या हो रहा है बताइए, हाँ यहां पे आफ्टर टी वन टाइम के बाद ये बातें तो क्या हो गया, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, पहला यही ऑब्जर्वेशन है कि आर एफ आर बी क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए टी वन टाइम के बाद, लेकिन ये बराबर है, है ना, आर एफ दोनों रेट क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है, तीसरा आएगा नहीं फिर। अब चौथे वाले में बताओ, तीसरे वाले में, तो तीसरे वाले में क्या कहेंगे हम लोग, हाँ तो हम कहेंगे कि कांस्टेंट तो है लेकिन ठीक है इक्वल नहीं है, हम कहेंगे पहला आर एफ आर बी कांस्टेंट है लेकिन आर एफ आर बी के इक्वल नहीं है, तो कौन ज्यादा है इस बार, हाँ आर बी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट रेट क्या है, ज्यादा है, और फॉरवर्ड का क्या है, कम है, ये बात समझ में है ना, ठीक, तो जो ऊपर गया इसीलिए, हाँ तो ये वैल्यू ज्यादा हो गई ना, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है और ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आया है ये वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है, तो बनाओ ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे तीन सिचुएशंस हैं, इन तीन सिचुएशन की बात करें अगर हम लोग, जैसे हम लोग पे क्वालिटेटिव क्वेश्चन या क्लासिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कि अगर ये तीन ग्राफ दे दिए गए हों तो लोग ब्लाइंडली मार देते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन का भी ग्राफ ऐसे ही होता है। तो अभी हम लोग रेट का ग्राफ बनाया है ना, तो हमने कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि फॉरवर्ड रेट ज्यादा है, इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट बनने का जो बन रहा है वो तेजी से बन रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्टेंट बना रहा है लेकिन उसका रेट क्या है, कम है, ये बात समझ में ना। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव तो होगी नहीं, ये बात समझ में ना, ये हमेशा आगे की तरफ रिएक्शन जाएगी, मतलब इस वाले ग्राफ में हम कह देंगे कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करेगी। लास्ट वाले में भी वही सिचुएशन होगा, प्रोडक्ट बनते ही प्रोडक्ट बहुत तेजी से रिएक्टेंट बनाएगा, ये बात समझ में ना, मतलब रिएक्शन बहुत तेजी से पीछे आएगी, आगे धीरे धीरे जाएगी, इसका मतलब रिएक्टेंट वापस बन जाएगा, ये बात समझ में ना, तो इसका मतलब कि वहां भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करेगा। सिर्फ इक्विलिब्रियम कब अचीव करेगा, दो सिचुएशन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, है ना, और दूसरी बात कि जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाएगा तो जितने भी स्पेसीज हैं, सपोज अगर हम इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ए का जो अमाउंट है एट इक्विलिब्रियम फिक्स हो गया, अब वो चेंज नहीं होगा, जितना भी अमाउंट चेंज होगा वापस वो प्रोडक्ट कन्वर्ट कर दे रहा होगा, उसको बना दे रहा होगा, ये बात समझ में है ना। इसी तरह से ना तो बी मतलब हर स्पेसी का, चाहे ए हो जाए उसका कंसंट्रेशन हो जाए, चाहे बी हो जाए उसका कंसंट्रेशन हो जाए, सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन, जो उनके एक्टिव मास है वापस चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम के बाद, चाहे आप कुछ भी कर दीजिए, ये बात समझ में है ना। तो एट इक्विलिब्रियम सबके, हमने कहा कि इनके ये इक्वल तो नहीं होंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज नॉट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, कुछ होगा इनका, अलग अलग कंसंट्रेशन हो सकते हैं, इक्वल में भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इक्वल हो, लेकिन रेट जो है जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट भी किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहिए, तब हम कहेंगे जब ये सिचुएशन अटेंड होगी तो रिएक्शन थम जाएगी, रुक जाएगी, और वो इक्विलिब्रियम होगा,
और इक्विलिब्रियम के बाद ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो नहीं रहा है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे कहते हैं दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना। ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुका हुआ है, प्रोसेस बंद हो गया है, हो रहा है लेकिन वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन जैसे मान लीजिए इस रूम से हमने कह दिया कि मान लीजिए कि इसमें 20 लोग हैं और बाहर 100 लोग हैं, हमने कहा 5 इसमें से गए और 5 अंदर आ गए, है ना, इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब इसमें 20 के 20 कंटेंट जितने लोग हैं वो फिक्स हो गए और जो बाहर 100 लोग हैं फिक्स हो गए, क्योंकि इसमें से 5 जा रहे हैं तो बाहर से 5 आ जा रहे हैं, रेट कॉन्स्टेंट हो गया। लेकिन स्पेसीज, यहाँ 20 लोग हैं वहां 100 लोग हैं, बराबर नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ का अमाउंट है वो फिक्स है और जो बाहर का अमाउंट है वो फिक्स, और रेट इक्वल है, रेट इक्वल है, जाने वालों का रेट आने वालों का रेट क्या है, बराबर है। ये बात समझ में आया ना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं हो कि रूम बंद कर दिया अब कोई नहीं आएगा जाएगा, है ना, तब भी वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। ये बात समझ में आया ना, तो लिखिए फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन equilibrium is defined as the point oblique time at which पहला पॉइंट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दूसरा पॉइंट concentration of each species bracket में either reactant or product bracket close constant, ठीक है। तो दीज आर द टू करेक्टरिस्टिक्स, ये दो पॉइंट हो गए जिससे आप देखेंगे, है ना। अब हम लोग यही ग्राफ देखेंगे कंसंट्रेशन वर्सेस, है ना, यही सब ग्राफ हो जाएगा किसमें, कंसंट्रेशन वर्सेस नहीं टाइम, तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम हो गया ना, यहां से हम हटा देंगे ये पॉइंट, यहां पे हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन रेट की बात नहीं होगी। अब देखिए होगा क्या, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ये हो गया, है ना, तो रिएक्टेंट जो है, अगर मान लीजिए रिएक्शन सिंपल रखना चाहते हैं तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, है ना, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा शुरू में, तो पहले तो प्रोडक्ट आपके पास था नहीं, कंटेनर में अकेला रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कहते हैं हम लोग इसे, है ना, और होते 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 और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों ही एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम के बाद प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाएगा, है ना, ये कांस्टेंट हो गया, अब प्रोडक्ट वापस ज्यादा नहीं बनने वाला है, इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट बन नहीं रहा है, बन रहा है लेकिन वो कन्वर्ट हो जा रहा है रिएक्टेंट में, ये बात समझ में ना, मतलब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का जो T=T1 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट, तो रिएक्टेंट भी चेंज हो रहा है लेकिन
जो ज्यादा चेंज हो जा रहा है, जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, मतलब दोनों ही कंसंट्रेशन क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये रेट के टर्म में इक्विलिब्रियम नहीं था, ये बात समझ में आया ना। तो ये इक्विलिब्रियम है, लेकिन इस इक्विलिब्रियम की खासियत क्या है कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम वो ज्यादा है, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा कम होगा, लेकिन कम अमाउंट होते हुए भी रेट ज्यादा रखा होगा, तभी ना मैच कराया होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, है ना। तो कम प्रोडक्ट ही मैच करा दे रहा है रेट को, ठीक है, किसके रिएक्टेंट का जो कन्वर्जन है उसके रेट को मैच करा दे रहा है ना। अब इसका मतलब यहाँ पे पॉइंटर्स अलग अलग हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि हम कहेंगे जो आपका हाँ जो कंसंट्रेशन आर है, आर इज कांस्टेंट, आर और एफ दोनों क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, सॉरी आर और पी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया कांस्टेंट, और इस ग्राफ को देख के लग रहा है इसको डिकोड करें तो कंसंट्रेशन आर और कंसंट्रेशन एफ इक्विलिब्रियम पे बराबर नहीं है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर नहीं है, तो कौन ज्यादा है, हाँ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन के लिए दिखाते हैं जनरली, एक्टिव मास के लिए दिखाते हैं, अब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन से ज्यादा है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम बोला जाएगा क्योंकि दोनों रेट सारे रेट कांस्टेंट हो गए, तो इन टर्म आप सारे स्पेसीज के अगर कंसंट्रेशन टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाते हैं इसका मतलब कोई कहीं कन्वर्ट नहीं हो रहा, मतलब सिग्निफिकेंटली आगे की तरफ नहीं जा रहा, पीछे कन्वर्जन तो हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम डायनेमिक है, कन्वर्जन हो रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का है शुरू में तो घटा T1 से पहले तक और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या बढ़ा, लेकिन आफ्टर साइन टाइम T1 टाइम दोनों बराबर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हाँ तो इसको नोट कर लो, अब लिखिए टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, तो देखिए जैसे आप कहते हो कि अगर हम लोग आइस ले ले तो वाटर ले ले, है ना, और टेम्परेचर अगर मान लीजिए -2 या -4 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहां पे जितना पानी रखेंगे सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में, वन वे रिएक्शन जाएगी, ये फिजिकल स्टेट वन वे कन्वर्जन होगा, है ना। इसका मतलब लेकिन होता क्या है कि जब टेम्परेचर निगेटिव जाता है तो हम लोग डल लेक कहते हैं पूरी जमती तो है नहीं, एक्चुअली होता क्या है वहां पे कि सपोज ये पहले पानी था, है ना, तो पानी नीचे ये सब पानी है, अब जब टेम्परेचर नीचे जाने लगा है ना तो अब कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा पानी का, तो सबसे पहले हीट लॉस कौन करेगा, अपर वाला मॉलिक्यूल, जब ये हीट लॉस कर देगा तो ये लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार ये आइस बन गई तो अब फर्दर यहां से हीट को निकलने नहीं देती है ये, क्योंकि बैड कंडक्टर है, है ना, अब ये बैड कंडक्टर है इसका मतलब नीचे से हीट लॉस होगी नहीं, अब हीट लॉस नहीं होगी तो टेम्परेचर कितना भी रहे अब ये क्या हो गया, बाहर का टेम्परेचर अलग और अंदर का अलग हो गया, अब ये पूरा वाटर कन्वर्ट नहीं होगा, ये बात समझ में आया ना, तो फर्दर कन्वर्जन नहीं होता, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स यहाँ पे सेफ रहते हैं, हाँ लेक वर्क में, ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं होता है, ये बात समझ में आया ना, नहीं कभी नहीं, क्योंकि जितना मोटा होता चला जाएगा है ना उतना ज्यादा रजिस्ट करेगा वो, उतना ज्यादा हीट लॉस नहीं होने देगा, ये बात समझ में आया ना, ठीक है, डिजॉल्व होती है ना, ठीक है, और ऐसा थोड़ी ना है, हाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये बात समझ में ना, इसी तरह देखो पोलर बियर वियर क्या करते हैं कई बार यूट्यूब, हाँ नहीं पूरा नहीं तो बहुत हाइट, अरे एक दो मीटर थोड़ी रहता है डूबने के लिए रहता है ना, ठीक है, ये बात समझ में ना, तो इसका मतलब कि ये ज्यादा ज्यादा एक मीटर हो जाए तो दौड़ते, कई बार देखते हो कि बॉक्स वॉक्स दौड़ते हैं तो फंस जाते हैं, उनका पैर क्या होता है पतला होता है, घुस जाते हो निकल नहीं पाते, फिर वो कई बार पतली पतली बर्फ पड़ी रहती है उसमें घुस जाते हैं, है ना, बड़ा खतरा रहता है, यही वजह है कि जब कई बार ग्लेशियर जो रहते हैं ना हिमालय हिमालय पे, ये पता नहीं बर्फ रहती है पता नहीं रहता कि नीचे कितनी खाई है, और कई बार जवान क्या हो जाते हैं इसीलिए रस्सी बांध के चलते हैं कि
एक अगर गड्ढे मतलब खाई में चला जाए, पता तो है नहीं कि नीचे खाई है क्या है, बर्फ फूटी पता चला, पतली पर्थ पता तो है नहीं है, पैर रखा नीचे चले गए, पता बच गए, कई बार पूरा ग्रुप में चला जाता है, मर जाता है, पता नहीं चलता है फिर। हाँ बहुत लोग मरे है ना सियाचिन वैसे। हाँ तो ये तो कई बार ना तो जो उस एरिया में काम कर रहा है तो टोपोलॉजी बनाई जाती है वहां की, है ना, कि कहाँ कहाँ खाई है कहाँ नहीं है, है ना, ये सारा, क्योंकि वो खाली तो हो बर्फ तो पता चले कहाँ खाई है, तो टोपोलॉजी बनाई जाती है कहाँ कहाँ है, तो एक सेफ पैसेज दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई नए नए रिक्रूटमेंट होते हैं, लोग नए नए लोग जाते हैं, सबको थोड़ी पता है, तो कई बार जवान उसे फंस जाते हैं, फिर मिलता है 50 साल बाद वैसे शरीर मिली है ना किसी को मिला, तो मतलब बहुत लोग मारे जाते हैं इस तरह से। खैर तो ये राज इसके नीचे का पता नहीं रहता, इसके ऊपर का राज, ठीक। खैर तो ये कहेंगे हाँ आर्टिफिशियल बनता है, ठीक, वो तो बनाया जाता है। अब देखो तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या हो गया, एट हमने कहा कि अगर -0 से कम टेम्परेचर है, -1, -2, -3, तो वो फेवर करता है कि रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि वो जो थर्मोडायनेमिक कंडीशन है, जो प्रेशर 1 atm का है एटमॉस्फेयर का, जो टेम्परेचर है -10°C -4°C है, तो वो फेवर कर रही है कि वाटर कन्वर्ट होगा किधर, आइस में, है ना। लेकिन अगर वो -4 की जगह पे +4 हो जाता तब फेवर करता कि आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, रिवर्सिबल कंडीशन नहीं जनरेट होने वाली है। लेकिन एट 0°C दोनों कन्वर्जन होंगे, जो वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, वाटर जो लिक्विड स्टेट में होगा वो हाँ कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में, ठीक है, हाँ H2O सॉलिड में, और सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लेकिन दोनों का रेट क्या होता है, बराबर होता है, इसका मतलब टेम्परेचर और कम ले जाएंगे तब जाके वो पूरा जमेगा, 0°C पे वो पूरा जमने वाला नहीं है, वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाए। लेकिन अगर आपने 0°C मेंटेन कर दिया है, 1 atm प्रेशर मेंटेन कर दिया है, तो जितना मास कन्वर्ट होगा लिक्विड का सॉलिड में, उतना ही सॉलिड लिक्विड में प्रेशर किया जाएगा, मतलब वो एक इक्विलिब्रियम हो गया, लेकिन ये फिजिकल इक्विलिब्रियम, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से जब हम लोग गर्म करने लगते हैं पानी को, तो जब 100°C पे पहुंचता है, तो वापस जो भी हीट हम देते हैं वो पूरी पूरी हीट कंज्यूम हो रही है किसको, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, है ना। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा है, वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो रही है, 100% कंजम्पशन हो रहा है फेज कन्वर्ट करने में, मतलब वहां भी 100°C पे क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, है ना, वेपर H2O वेपर में, ये बात समझ में है ना, और वेपर कन्वर्ट हो रहा है उस समय किसमें, लिक्विड में 100 पे, है ना, एट 100°C, ये ध्यान रहे। लेकिन अगर 100 से ज्यादा हो गया तो एक ही तरफ जाएगा रिएक्शन, दूसरे वापस नहीं आने वाला है, तो दीज आर द, है ना, ये कन्वर्जन है। इसी तरह से हमने कहा कि जो ग्रेफाइट है, कार्बन का जो एक एलोट्रॉप है, क्या ग्रेफाइट या डायमंड, डायमंड कन्वर्ट होगा किसमें, ग्रेफाइट में, है ना, डायमंड, हाँ ठीक है, हाँ ये कन्वर्ट होगा, डिपेंड करता है ना कि ये थर्मली स्टेबल तो है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस क्या है, ये जरूरी है ना कि सर्कमस्टेंसेस किसके लिए क्रिएट किए गए हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कोई आदमी मर जाता है तो उसकी राख से क्या बना दिया जाता है, डायमंड बना दिया जाता है, है ना, लोग पहनते हैं जो पैसे वाले है ना, उसे राख पर लेके पहने रहते हैं, है ना, हस्बैंड किसी मर गया, वाइफ मर गया तो लेके पहनते, देख लेते यही थी वाइफ, ठीक है, पैसा है फालतू काम करने के लिए सब होता है ना। तो इसका मतलब कि देखो डायमंड जो था वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं था, लेकिन हम लोगों ने वो कंडीशन जनरेट करी, केमिकल इन्वायरमेंट हमने जनरेट किया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ताकि वो अनस्टेबल में कन्वर्ट हो जाए, ये बात समझ में है ना। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन चेंज करके हम कन्वर्जन करा सकते हैं इधर साइड, ये बात समझ में है ना, वो सर्कमस्टेंसेस हमें करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये कन्वर्जन दोनों तरफ हो रहा है इक्विलिब्रियम, है ना, तो इक्विलिब्रियम पे दोनों तरफ हो रहा है, ये बात समझ में है ना। तो दीज आर कॉल्ड द फिजिकल स्टेट, यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, कोई भी केमिकल नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो पहला टाइप क्या हो गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम, है ना,
टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पहला हो गया फिजिकल, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एग्जांपल ये हो गए। दूसरा हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने कहा कि हेबर प्रोसेस अमोनिया जो बनाया था हम लोगों ने, N2 गैसियस स्टेट और प्लस 3H2 था, ये कन्वर्ट हो रहा था NH3, ठीक है, गैस में। ऐसे ही H2 प्लस I2, ये भी गैस होता है, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, वो वापस HI भी कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हो गए, से A, B, दीज आर द एग्जांपल ऑफ, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लिखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, पहला लिखो इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड, इक्विलिब्रियम कैन बी स्टेबलाइज्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई चाहता है कि ए प्लस बी लेके चले तभी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, सी प्लस डी बनेगा तो वो बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन देगा, लेकिन अगर कोई कहेगा कि हम सी प्लस डी ही लेके चलेंगे तो ठीक है, अब ए प्लस बी बनेगा फिर वो इक्विलिब्रियम अचीव कराएगा। तो कोई भी लेके चलिए, चाहे रिएक्टेंट लेके चलिए चाहे प्रोडक्ट लेके चलिए, तो किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं आप, इक्विलिब्रियम अचीव होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर, हाँ दोनों, मतलब रिएक्टेंट अभी भी बन रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, रिएक्टेंट भी बन रहा है ना, रुका कुछ नहीं है, डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन, देयर इज नो चेंज इन एनी ऑफ द मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल प्रॉपर्टी, मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड, जैसे हमने कह दिया, ब्रैकेट में लिखो क्या हो जाएगा, पहला प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा कंसंट्रेशन कॉमा टेम्परेचर कॉमा मोल्स, हाँ कॉमा मास कॉमा कलर, हाँ। तो एक बार जो इक्विलिब्रियम पे कलर मिल गया, अब वो कलर चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि अब कोई नया स्पेसी बन ही नहीं रहा है, तो जो कंसंट्रेशन का कलर है वो कलर फिक्स हो जाएगा, ठीक। ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये सब इक्विलिब्रियम के बाद ही होगा ना, ऑफ नहीं नहीं उसी में आगे, हाँ
अब कोई करता क्या है ना, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है ना, रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलाइज करने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि आपको जल्दी रिएक्शन करवानी है ना, कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन को जल्दी करवा देगा, ठीक है। या रिएक्शन को स्लो करना है, चाहते हो कि चिप्स जल्दी ना सड़े, जो एक दिन में सड़ रहा है वो 3 दिन में सड़े, मतलब उसके रेट को क्या करना चाहते हो, स्लो करना चाहते हो, है ना, तो वो निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाएगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, वो इक्विलिब्रियम जब अटेंड होगा, है ना, जो T1 टाइम था, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा था, उस T1 टाइम को अल्टर करेगा, या तो कम करेगा जरूरत के हिसाब से, या फिर क्या कर देगा T1 को ज्यादा। लेकिन जो जो बातें, जो मेजरेबल क्वांटिटी थी इक्विलिब्रियम पे, जितना कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है, उस पे उसका कोई जोर नहीं है, बस उस टाइम के साथ वो खेलेगा, टाइम कम कर देगा या ना, क्योंकि तेजी से अटेंड कर लेगा वो इक्विलिब्रियम, या फिर स्लो करेगा, है ना। डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत क्या है, हम कैसा कैटलिस्ट यूज करना चाहते हैं। तो कैटलिस्ट कभी भी, है ना, दोनों को बढ़ाता है, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी अगर बढ़ा रहा होगा तो बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, अगर फॉरवर्ड को कम कर रहा होगा तो बैकवर्ड को भी कम करे, दोनों पे सेम इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक को बढ़ाए और दूसरे को घटा दे, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस समझ में आया ना, ठीक है। तो बस कैटलिस्ट का एक ही हमने रोल कहा कि रेट, दोनों डायरेक्शन के रेट को क्या करता है, बढ़ा देता है। जो अटेनमेंट होता है, टाइम टेकन टू अचीव द इक्विलिब्रियम, वो कम या ज्यादा हो सकता है, उसको सिर्फ अल्टर करता है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम रेट को अल्टर नहीं करेगा। जहां पे वो कॉन्स्टेंट होके होना था, उतना ही कॉन्स्टेंट रहेगा, ये बात समझ में है ना, बस टाइम बदलेगा। तो लिखो, कैटलिस्ट अल्टर, कैटलिस्ट CATLYST, कैटलिस्ट अल्टर टाइम अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नोट करके लिख लो यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, नोट। अरे ये नहीं, उसके नीचे नोट करके लिख लो, नोट। कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर पहला कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज एट इक्विलिब्रियम, दूसरा रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को अल्टर करेगा, है ना, वो कम या ज्यादा करेगा, लेकिन बैकवर्ड को भी उसी तरह से कम या ज्यादा करेगा, रेशियो कभी भी अल्टर नहीं होगा, है ना। इंडिविजुअल अल्टर कर देगा लेकिन रेशियो नहीं अल्टर करेगा, चेंज करना, कम या ज्यादा करना, ये बात समझ में आया ना, ठीक है। और कंसंट्रेशन, जितना भी कंसंट्रेशन मिल रहा है इक्विलिब्रियम पे, उसको भी वो अल्टर नहीं करने वाला है ना, बस तेजी से अचीव करेगा वो, ठीक है, या स्लोली अचीव करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, डेल्टा जी दैट इज कॉल्ड द गिब्स फ्री इनर्जी, ये इसकी वैल्यू जीरो होती है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं किसी रिएक्शन का, और इसके तीन चीजें करी जाती हैं। डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है किसी रिएक्शन के लिए, कैसे निकालते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बात होगी, लेकिन डेल्टा जी अगर निगेटिव आता है रिएक्शन के लिए, मतलब वो रिएक्शन फिजिएबल है, रिएक्शन होगी, है ना। और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इससे गारंटी मिलता है कि अब रिएक्शन नहीं होने वाली है ना, नॉन फिजिएबल है। आप झूठो, है ना, सोच रहे हो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाफिंग गैस प्रोड्यूस करेगी एटमोसफियर में, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात समझ है ना। इसी तरह से तीन, दो बातें तो हो गई, लेकिन डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा,
ये बात समझ में आया ना? ठीक है, तो डेल्टा जी अगर जीरो है तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा होगा, है ना, रिएक्शन हो भी रही होगी लेकिन दोनों डायरेक्शन में हो रही, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बिल्कुल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया ना? ठीक, तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब हेडिंग डालिए लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। गुलबर्ग वागे ने दिया था ना स्पेलिंग से, सॉरी, हाँ वागे की स्पेलिंग कहा लिखे, हाँ WAA स्पेलिंग है, GULD है, जो भी है यार वही है। ठीक है, ठीक है, इसने का क्या कहा था, है ना, ये लिखो, ये कोई बताना है क्या? दो लोगों ने काम किया था, दो लोगों ने पेपर पब्लिश किया होगा, मिल के दिया गया होगा, अगर गोल्ड में अगर उन लोगों को नोबेल मिला हो तो दोनों ने आधा आधा बंटवारा किया होगा। ठीक, लिखो, हाँ आधा आधा पैसा बटा होगा, लिखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is proportional to product of active mass of the reactants and rate of backward reaction is proportional to product of active mass of the product. ठीक है, तो देखिए इसका मतलब अगर आप रिएक्शन कंसीडर करते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन जो है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट हैं और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कहेंगे जो फॉरवर्ड रिएक्शन लिखी जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, है ना, गिब्स प्रोडक्ट, है ना, ये जो भी प्रोडक्ट दे रहा है अभी ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसके लिए केएफ कहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास, जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं किसी स्पेसी को तो कहा जाता है एक्टिव मास, है ना, तो एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। ये बात समझ आ गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि जो केएफ हो जाएगा, सॉरी ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, केएफ नहीं होगा, RF होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहा था ना, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो दैट इज कांस्टेंट टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हम KF कहेंगे यहाँ पे, तो दैट इज A का कंसेंट मतलब एक्टिव मास और B का एक्टिव मास। ठीक है, ये बात कहा था। इसी तरह से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाएगा अपना, है ना, सी प्लस डी क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा, हमारे ऊपर के हिसाब से, है ना, रिएक्टेंट बनाएगा,
इसका मतलब कि जो यहाँ पे रेट होगा बैकवर्ड रिएक्शन, तो दैट इज प्रोपोर्शनल टू अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग है ना एंड बागे, सी का एक्टिव मास इनटू डी का एक्टिव मास। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे हम अलग कहेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज के बी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा सी का है ना एक्टिव मास इनटू डी का एक्टिव मास, ये दूसरा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? अब अच्छा नोट करो, तो लिखिए वेयर के एफ एंड के बी आर कॉन्स्टेंट, वेयर के एफ एंड के बी आर कॉन्स्टेंट, सफिक्स में के बी है ना, बी है, के एफ एंड के बी आर कॉन्स्टेंट नोन एज रेट कॉन्स्टेंट ऑब्लिक वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। विच चेंजेस रिएक्शन रिस्पेक्टिवली, विच चेंजेस विथ, पहला फैक्टर है टेम्परेचर, सेकेंड फैक्टर कैटलिस्ट, ठीक है कैटलिस्ट, हाँ ठीक है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है केएफ जो है उसको भी अल्टर कर देगा, तो केबी को भी अल्टर करेगा, वो दोनों कांस्टेंट को अल्टर करने की एबिलिटी रखता है ना, लेकिन अगर इनका रेशियो होता तो उसको नहीं चेंज करता है ना, इंडिविजुअल को चेंज करेगा वो, टेम्परेचर ऑलरेडी फैक्टर है ठीक है, तो दीज आर द टू पैरामीटर्स जिनको ये क्या करेगा ऑल्ट अफेक्ट है ना। अब लिखो, अब देखिए जो ये आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है ये हमेशा अप्लीकेबल है वेदर इक्विलिब्रियम अचीव करे या इक्विलिब्रियम अचीव ना करे, ये बात समझ में है ना, तो जब भी आपको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है आपको यही लिखना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब आर एफ इक्वल टू के एफ टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स मास एक्शन है ना, अभी बताएंगे ये बात समझ में है ना, तो ये हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तभी आप इसे लगाएंगे, ये हमेशा लगेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम पे क्या खास बात होगी कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा मतलब आर एफ वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड, तो इससे कोई मतलब नहीं कि गुलबर्ग वैलिड है या नहीं है, गुलबर्ग की वैलिडिटी या मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन की वैलिडिटी हमेशा बनी रहेगी, ये बात समझ में है ना, बस रिएक्शन क्या होना चाहिए प्रोसीड करना चाहिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लगाने के लिए हमेशा यही लगेगा ठीक है। अब लिखो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम तो एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है, तो एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा आर एफ ये इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के है ना, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था इक्वेशन वन से हम लिखेंगे कि के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अरे सॉरी एक्टिव मास ऑफ बी, और फिर क्या हो जाएगा के बी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ
डी हो जाएगा। अब के एफ अपॉन के बी ये क्या हो जाएगा, दैट इज एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम जो के एफ अपॉन के बी है इसको हम लिखेंगे के ई क्यू। ठीक है, के ई क्यू हो गया। अब देखिए हमने कहा कि इक्विलिब्रियम अगर अचीव कर गया है तो ना तो सी का एक्टिव मास चेंज होने वाला है, ना तो डी का, ना तो ए का, ना तो बी का, किसी का एक्टिव मास अब चेंज हो नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो इधर भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो के एफ अपॉन के बी भी कांस्टेंट हो गया, और के एफ अपॉन के बी को हम के ई क्यू कह रहे हैं, तो के ई क्यू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये बात समझ में ना। अब ध्यान दो, हमने कहा था के एफ दो चीजों से चेंज होता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट से, लेकिन के ई क्यू कैटलिस्ट से चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ब्रह्मा भी आगे कह दे कि हम दूसरा फैक्टर डाल रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ये किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। ये तभी चेंज होगा के ई क्यू जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, लेकिन इसे चेंज करने के लिए एक और कैटलिस्ट भी है, लेकिन कैटलिस्ट इसको नहीं चेंज करेगा। ये बात समझ में है ना। तो लिखिए एट इक्विलिब्रियम के एफ अपॉन के बी इक्वल टू के ई क्यू, वेयर के ई क्यू इज नोन एज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस ओनली विथ टेम्परेचर, चेंजेस ओनली विथ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड कांस्टेंट टू द रेट ऑफ बैकवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, तो इसे के एफ अपन के बी ही डिफाइंड करेंगे ना, के बी बाई के एफ नहीं कहेंगे, तो ये ध्यान रहे कि के एफ अपन के बी ही डिफाइंड होगा। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, के ई क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के ई क्यू हो जाएगा, के एफ की वैल्यू डाल दे हम लोग, ये वैल्यू है ना, इसी को तो हम कह रहे हैं, एक्टिव मास ऑफ सी क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ, हाँ एक्टिव मास ऑफ डी। ठीक है, सर वो जो ब्रेकर लगाई थी उसका एक्टिव मत बोलो। हाँ जी, अब लिखिए क्वेश्चन,
राइट डाउन के ई क्यू फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस. तो पहला हो गया टू ए प्लस बी, ठीक है, फॉर्म सी प्लस डी. दूसरा हो गया एन टू प्लस एस टू गिव्स एन एस थ्री. तीसरा थ्री ए प्लस टू बी, अरे बोलो भाई तुम, अरे तो कुछ छोड़ोगे बाद में सोचने के लिए. फोर डी, ठीक है. देखिए एक के लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है, नहीं यही करना है कि होमवर्क का होता है, यही होम है यही वर्क है, ठीक है. अब देखो, हाँ एक्चुअली हम लोग सादा सादा देखे थे, देयर इज नो कोफिशिएंट्स आर इन्वॉल्वड, है ना. तो थ्योरी बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कहेंगे कि अगर पहले की बात करें टू ए प्लस बी, ठीक है, गिव्स, हम फॉरवर्ड की बात करेंगे ना, या चलो दोनों की बात कर लेते हैं, अरे रुक जाओ सब बात कर ले, सी प्लस डी है ना, तो दैट कुड बी रिटेन एज ए, टू ए को हम ए प्लस ए लिख सकते हैं और प्लस बी है ना, और ये दे रहा है सी प्लस डी. तो अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड कॉन्स्टेंट के एफ है ना, और जितने भी रिएक्टेंट है अकॉर्डिंग टू है ना लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स की, फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ए का कंसंट्रेशन इनटू फिर इस वाले ए का कंसंट्रेशन या एक्टिव मास और फिर बी का एक्टिव मास, तो ले दे के क्या आ गया के एफ और एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर इनटू क्या हो गया एक्टिव मास ऑफ बी हो गया. ये बात समझ में है ना. अब आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर यहाँ पे तीन रहा होता तो पावर में कितना आता, थ्री आता है कि नहीं. तो इसका मतलब कि जो भी कोफिशियंट है दैट अपीयर इन पावर, सीधे सीधे समझ में आ रहा है ना. बाकी वो आया कहाँ से, लॉ ऑफ मास एक्शन से आया, तो हमें कोई ज्यादा दिमाग लगाना है. इसका मतलब ये हुआ कि अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसके लिए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज हाँ के बी बैकवर्ड कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो यहाँ पे रिएक्टेंट का काम कौन करेगा बैकवर्ड के लिए, जो प्रोडक्ट बना है, तो प्रोडक्ट मतलब सी और डी का एक्टिव मास, सी और डी का प्रोडक्ट. तो ये हमने क्या लगाया है, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया है, ठीक है. अब हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, आर एफ आर बी क्या होगा, बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम. इसका मतलब कि हम क्या कह देंगे कि जो के एफ टाइम्स ए के कंसंट्रेशन का स्क्वायर है इंटू बी का कंसंट्रेशन, अरे मतलब एक्टिव मास बार बार का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बैकवर्ड कॉन्स्टेंट सी एक्टिव मास और डी का एक्टिव मास. तो हमें के एफ अपॉन के बी जानबूझ के निकालेंगे क्योंकि के ई क्यू निकालना है हमें, तो के ई क्यू मतलब के एफ अपॉन के बी तो दैट इज एक्टिव मास ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए का स्क्वायर और एक्टिव मास ऑफ बी, और यही क्या हो जाएगा के ई क्यू हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा, अगर रिएक्शन हमारे पास ये वाली दी गई है तो हम डायरेक्ट वहां पे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है. और बाकी दो के लिए करिए फट से.
इधर देखिए, तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, है ना। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले मत लिखिए, ठीक है। तो फर्स्ट आप चेक करिए कि रिएक्शन आपके जो दी गई है वो बैलेंस है कि नहीं है, ठीक। अब यहाँ अगर के ई क्यू लिखे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि दैट इज दैट हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट को, जो इसका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? 2NH3. हाँ, तो 2NH3 है, तो स्पेसीज NH3 है, और उसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो क्या है? 2 है। तो ये कहाँ अपियर होगा? पावर में अपियर होगा। ये बात समझ में आया ना? क्योंकि हम लोग अगर लिखे तो NH3 प्लस NH3 लिखेंगे, तो दो बार आएगा ना NH3 इंटू NH3 का एक्टिव मास, स्क्वायर हो जाएगा। खैर, आप डायरेक्ट सोचिए कि ये पावर में चला जाता है, और फिर ये क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ N2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। इसका क्या है? तो ऊपर प्रोडक्ट होगा, नीचे किसका लिखते हैं? रिएक्टेंट का लिखते हैं। तो H2 स्पेसी है, तो इसका कंसंट मतलब एक्टिव मास और इसका जो पावर हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो दैट इज के ई क्यू फॉर सेकेंड, है ना। अब इसका तो लिख लेंगे ना, थर्ड का लिखो, थर्ड इतना ही था ना, इतना का चाहू।